माय नेम इज़ यश राठी और मुझे बचपन से ना रैपर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैंने इतनी बार अपने पापा को शराब पिलाई, साला कभी माँ को नहीं मारता हो। स्ट्रगल ही नहीं था मेरी लाइफ में यार। मैंने ना अपने पापा को ये जोक सुनाया कि बहुत बार शराब पिलाई, कभी माँ को नहीं मारा। पापा सुन के खुश हो गए, कहते हाँ इंसान तो अच्छे ही हूँ मैं। और देखो बुरे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे को अपने पापा को डिस्क्राइब करना होगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ही इज़ एग्रेसिव, मैं बस ये बोलूँगा कि बहुत पैशनेटली मेरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मेरे को एक बारी लगातार 2 घंटे पीटा था क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम आया था। और उसी ब्लड टेस्ट में मेरा विटामिन डी भी कम आया था। भैंसों पीट के धूप में खड़ा कर दिया और फिर कह रहे इंसान तो अच्छा ही हूँ मैं। बट मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, ट्रॉमा बहुत था, क्योंकि मैं अपने घर का 3रा बच्चा हूँ और मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कभी अपनी औकात में रहे ऐसा होता नहीं है। तो 2 बच्चे सबके होते हैं। तो क्या होता है ना कि पहला बच्चा वो प्लानिंग के साथ होता है, दूसरा बच्चा इसलिए होता है कि भैंसों मौसम बहुत बढ़िया था, तीसरा बच्चा एक्सीडेंट होता है और फिर उसको ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं। यार मेरे को एक चीज बताओ, इसमें बेचारे तीसरे बच्चे की क्या गलती? उस दिन फूलों वाली मैक्सी मम्मी ने पहनी थी, बच्चे ने पहनी थी। तो तुम बच्चे की क्यों मार रहे हो यार? भाई साहब मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर होता था ना, फैमिली ट्रिप पे घर पे छोड़ के जाते थे। कि तू घर का ध्यान रख। भाई साहब मैं इतना चूती हूँ, मेरे से खुद का ध्यान नहीं रखा जाता यार। जब मैं 7th में था ना, क्लास में टीचर ने बोला कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स, करंट मारेंगे, और मैं ऐसे किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेता। क्योंकि टीवी पे एक बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी आती थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरे को लगता था कि अगर टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। फिर मैंने टीवी पे देखा मोदी जी को, और अब मेरे को पॉन की स्टोरी ज्यादा बिलीवेबल लगती है। बट उस दिन मैं घर गया, घर जाके मैं नहा रहा था और नहाते हुए मेरे को दिखा स्विच बोर्ड, और मेरे को अपनी टीचर की बात याद आई कि पानी और बिजली करंट मारते हैं। मैंने कहा दिस इज द टाइम टू टेस्ट द थ्योरी। मैंने मग्गा लिया, बाल्टी में भरा और मैंने स्विच बोर्ड की तरफ देखा। स्विच बोर्ड ने मेरी तरफ देखा और स्विच बोर्ड में से आवाज आई, अबे पागल है क्या? मैं कहा नहीं, और मैंने पानी का मग्गा लेके मारा स्विच बोर्ड में, और भैंचोद इतनी जोर से करंट लगा मेरी चीख निकल गई। बाहर मम्मी खड़ी थी बाथरूम के, मम्मी को लगा कि उनके 3 बच्चों में से किसी को कुछ हो गया होगा, और वो क्योंकि सबको इक्वली प्यार करते हैं, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, ट्विंकल मुस्कान तुम में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा अरे मम्मी अंदर मैं हूं यश। कहते अच्छा शुक्र है। मैंने कहा लेकिन मेरे को भी तो कुछ हो सकता था, मेरे से प्यार नहीं है क्या आपको? उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन मैं पैदा हुआ था। मम्मी कहती इश, और खुश होके चली गई। रात को डिनर टेबल पे मैं गया, मम्मी वापस वही फूलों वाली मैक्सी पहन के बैठी हुई है। मैंने कहा नाश करके मानेंगे यार ये लोग। यार इतना बुरा बिहेवियर ना हैरी पॉटर के साथ नहीं होता था, उस साले के माँ बाप भी नहीं थे, उसको जबरदस्ती अडॉप्ट किया था। ये मेरे ओरिजिनल फर्स्ट हैंड माँ बाप हैं। और लेकिन यार हैरी पॉटर के साथ मैं खुद को क्या ही कंपेयर करूँ, हैरी पॉटर को जादू आता था, मेरे को झांटा कुछ नहीं आता, मेरे को बिना सिगरेट पिए पॉटी तक नहीं आती। तो भाई साहब मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, एक बार मेरा काफ़ी गला ख़राब हो गया था, पापा ने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा ठंडा पानी पी लिया था उसकी वजह से। पापा डॉक्टर के पास लेके गए,
डॉक्टर चेकअप कर रहा था, उसने मेरी छाती पे स्टेथोस्कोप लगाया, कहता लंबी सांस लो। मैंने ली लंबी सांस। तुम कितनी सिगरेट पीते हो? और मेरे पापा वहां खड़े होते मेरी फट के चार। मैंने कहा मैं पीता ही नहीं सिगरेट। पीछे से पापा ने कंधे पे हाथ रखा, कहते बेटा कोई बात नहीं, घर चल के बात करेंगे। और मेरी फट के चार, क्योंकि पापा के मुंह पे गुस्सा दिखाई दे रहा था। इतने गुस्से में पापा क्लिनिक के बाहर निकले, पापा एक शब्द नहीं बोल रहे, इतने ज्यादा गुस्से में। गाड़ी में बैठे, पापा ने गाड़ी में बैठते रेडियो बंद कर दिया कि कहीं साला गाने सुन के मूड ना ठीक हो जाए। घर पहुंचे, मेरी फटी पड़ी है। मैं भाग के गया, मैं मम्मी के पीछे छुप गया। जैसे मूवीज में होता है ना, जब घर पे गुंडा आता है तो माँ खड़ी होकर कहती है अगर इसको कुछ करना है तो मेरी लाश पे सो के जाना पड़ेगा। मैं मम्मी के पीछे छुपा हुआ हूँ, सामने गुंडा मतलब पापा खड़े हैं और मम्मी कुछ नहीं बोल रही। तो मैंने ही बोल दिया, मैंने कहा कि अगर मेरे को पीटना है तो पहले मम्मी को पीटना पड़ेगा। और ये बहुत इंटेलिजेंट चीज़ थी, क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है। या तो मैं बिल्कुल नहीं पिटूंगा या मेरे से पहले मम्मी पिटेंगी और अब मैं रैपर बन जाऊंगा। तो उस दिन ना घर पे सिविलाइज डिस्कशन हुआ। पापा ने कहा कि यश क्यों पीता है तू सिगरेट? मैंने भी खुद से पूछा कि क्यों ही पीता हूं मैं सिगरेट, ऐसा तो है नहीं मेरे को पसंद है। क्योंकि हर सिगरेट के साथ सेम स्टोरी है। बस यार ये आखिरी है। कल से तो छोड़ ही रहा हूं, आज आखिरी एंजॉय कर ही लेता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ टाइम में लंग कैंसर का इलाज आ जाएगा। लंग कैंसर का इलाज छोड़ो, कुछ टाइम पे नकली लंग्स आ जाएंगे। ये किसका फोन था? ये बात यह कि अभी शो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? फोन अपने साइलेंट पे कर लो। अगर किसी का बीच में फोन बजा, मैं 15 मिनट नॉन स्टॉप गालियां दूंगा, चाहे हमें यहाँ एक्स्ट्रा पे करना पड़े। क्या नाम है रुद्रा? अली। एंड अली तू करता क्या है? ना के बराबर बीता हूं। तेरे को पता है तेरी एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा यूजलेस है? तू उन्हीं लोगों में से है ना, जब घर पे कॉन्डम की ऐड आती है तो बच्चे के साथ माँ बाप भी खड़े हो जाते हैं कि हमें क्या जरूरत इस चीज की। पर कॉन्डम से याद आया, इंडियंस को कभी कॉन्डम मांगते देखा है? है ना, हम मुंह से नहीं बोलते कि हमें कॉन्डम चाहिए, हम इशारे करते हैं। तो एक एक्चुअल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार केमिस्ट की दुकान पे था और वहाँ पे एक बंदा आया था, उसको शायद कॉन्डम चाहिए होएगा। इंडियन है, मुंह से तो बोलेगा नहीं। तो उसने भैया को इशारा करा, उसने भैया की आंख में आंख डाली और उसने ये करा। भैया ने गलत ले ली ये बात, भैया ने उसको कॉन्डम की जगह अपना फोन नंबर दे दिया। और बंदा भड़क गया, कहता अरे भाई यार कॉन्डम लेने आया था। भैया अभी भी नहीं समझ रहे, कहते वो तो हम साथ लेकर आएंगे ना। और यार ये कितनी वाहियात चीज है, हम क्यों करते हैं इशारे? हम सीधा सीधा मुंह से क्यों नहीं बोलते कि अरे भैया कॉन्डम दे दो? अभी इमेजिन करो कि मेरे को टूथब्रश चाहिए और मैं दुकान पे जाके ये नहीं कह रहा कि भैया टूथब्रश दे दो, मैं दुकान पे जाके कह रहा हूं कि भैया कितने का दोगे? कितने का गया तो हम फ्री में भी दे देंगे। अरे भैया टूथब्रश चाहिए, वो तो बाद में काम आएगा ना।